दोस्तों अद्वैत एकेडमी के एक और सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो कश्मीर की एंशियंट हिस्ट्री का जो टॉपिक्स हैं वो हमने स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में हमने करकोटा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जिसके मेन इंपॉर्टेंट जो राजा थे वो कौन थे, ललित आदित्य मुक्तापीत जो थे। उसके बाद में आज हम जिस डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम मेडिवल कश्मीर के बारे में अब यहाँ से आगे हम जाएंगे। ये एंशियंट कश्मीर की हमने बात की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेडिवल कश्मीर में एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम है उत्पाल डायनेस्टी। ठीक है, उत्पाल डायनेस्टी। अभी हम मेडिवल की बात कर रहे हैं कश्मीर में, मेडिवल कश्मीर। ठीक है, इससे पहले एंशेंट की बात हो रही थी, तो एंशेंट में ललित आदित्य मुक्तापीत के बाद में उनका डिक्लाइन हो गया था करकोटा का। इसके बाद में मेडिवल की बात कर रहे हैं। उत्पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, जिसने उत्पाल डायनेस्टी को बनाया है, उसका नाम है अवंती वर्मन। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है इस डायनेस्टी का, उत्पाल डायनेस्टी का। ठीक है, ना केवल ये इस डायनेस्टी का फाउंडर है, ना केवल इस डायनेस्टी का फाउंडर है बल्कि इस डायनेस्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग भी यही है। ठीक है, यानी इसी ने ज्यादा काम किए हैं, इसी के टाइम में कश्मीर ने ज्यादा फ्लरिश किया है, तो इसके बाद में डिक्लाइन हो गया था, तो यही राजा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके टाइम में क्या हुआ था, कश्मीर में पीस यानी बहुत ज्यादा शांति आई थी और इसने कश्मीर को कंसोलिडेट किया था, तो कंसोलिडेशन भी हुई थी इसके टाइम में। ठीक है, इसके अलावा इसने कश्मीर को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या किया था, इसने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कश्मीर को स्टेबल किया था। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो कश्मीर में जो दिक्कत आ रही थी, तो उसको किसने, जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कैओस थे जो, तो उनको किसने दुरुस्त किया था, अवंती वर्मन ने ही किया था। तो अवंती वर्मन वो राजा है जिसने क्या किया है, फाउंडर है ये उत्पाल डायनेस्टी का, इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट राजा भी यही है, तो इसने कश्मीर में पीस लाया था, शांति लाई थी। इसके अलावा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल किया कश्मीर को अवंती वर्मन ने। इसका प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम है, प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करता था इसका, शेरू। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करता था। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने एक टाउन बनाया है जिसका नाम है अवंतीपुरा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाउन है अवंतीपुरा, जो कि किसने बनाया था, ये टाउन बनाया था अवंती वर्मन ने। ठीक है, ये 25 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, श्रीनगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, और इस टाउन को इसने बहुत ज्यादा तरीके से बसाया था, अच्छे तरीके से इसको एम्बेलिश किया था, सजाया था। तो अवंतीपुरा में इसने दो टेम्पल्स बनाए थे, टू इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए थे, एक डेडिकेट किया था लॉर्ड शिवा को और एक डेडिकेट किया था इसने लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट राजा है जिसने अवंतीपुरा जो टाउन है वो बनाया है, 25 किलोमीटर से नगर से दूर है, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए थे अवंतीपुरा में, तो काफी अच्छे तरीके से उस सिटी को, उसने उस टाउन को सजाया था। तो कश्मीर में पीस और कंसोलिडेशन लेकर के यही आया था, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक कैओस जो थे, जो स्टेबिलिटी वहां पे नहीं थी, वो स्टेबिलिटी लेकर के कौन आया था, अवंती वर्मन। अवंती वर्मन का एक इंजीनियर हुआ करता था जिसका नाम है सूर्या, तो इसका एक इंजीनियर हुआ करता था सूर्या। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है सूर्या, इंजीनियर हुआ करता था। आप देखिए, अवंती वर्मन का इंजीनियर था सूर्या, सूर्या ने क्या किया था, इसने मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम पर, क्या किया था, एक तो फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए और दूसरा इसने इरिगेशन के लिए,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कश्मीर में, तो अवंती वर्मन का एक इंजीनियर हुआ करता था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अवंती वर्मन का एक इम्पॉर्टेंट इंजीनियर हुआ करता था जिसका नाम है सुया। तो इसका काफी इम्पोर्टेंट रोल है फ्लड्स को चेक करने में, इसके अलावा इरिगेशन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अवंती वर्मन के बाद में इसका सक्सेसर कौन रहा था? इसका सक्सेसर था शंकर वर्मन। ठीक है दोस्तों, तो शंकर वर्मन इसका सक्सेसर था। तो इसी टाइम पर जो उत्पाल डायनेस्टी थी वो उसका डिक्लाइन भी, उसका पतन भी साथ साथ में स्टार्ट हो गया शंकर वर्मन के साथ साथ में ही। और शंकर वर्मन के बाद में इसकी क्वीन जो थी सुगंधा, तो वो भी इस गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि कश्मीर में कोई औरत ने रूल नहीं किया है। तो सबसे पहले यहां पर किसी औरत का जिक्र आ रहा है जो कि सुगंधा है, शंकर वर्मन की क्वीन है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट लेडी है जो कश्मीर के ऊपर इसने रूल किया है, सुगंधा है। बाद में सुगंधा को भी डिपोज कर दिया जाता है, ठीक है, इसको भी हटा दिया जाता है। और सबसे आखिर में लास्ट जो कि रूलर हुआ करते हैं उत्पाल डायनेस्टी के, उसका नाम है सूर वर्मन। सूर वर्मन जो है ये लास्ट रूलर है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं। जिस तरह सोया एक मोस्ट फेमस इंजीनियर था अवंती वर्मन के टाइम पे, इसके अलावा इसका जो सक्सेसर था अवंती वर्मन का, इसका बेटा शंकर वर्मन, तो इसके टाइम पे डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके बाद में क्या हो गया, इसकी बीवी गद्दी पर बैठी थी जिसका नाम था सुगंधा, इसकी क्वीन बैठी थी, उसको हटा दिया गया था और लास्ट रूलर जो था उसका नाम था सूर वर्मन। तो इसके साथ ही क्या हो गया, उत्पाल डायनेस्टी यहां पर खत्म हो गई। और यहाँ कश्मीर में एक और डायनेस्टी आ गई जिसका नाम है गुप्ता डायनेस्टी। तो ये वो इंपीरियल गुप्ताज नहीं है जो इंडिया में जिन्होंने रूल किया है, ये कश्मीर की डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, अब इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है पारवा गुप्ता जो है इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ठीक है, पारवा गुप्ता फर्स्ट रूलर गुप्ता डायनेस्टी के कश्मीर में है। इसके बाद में इनका बेटा गद्दी पर बैठा था जिसका नाम है शेम गुप्ता, शेमा गुप्ता। ठीक है, तो ये सक्सेसर था किसका, सक्सेसर ऑफ पारवा गुप्ता। ठीक है, तो पारवा गुप्ता का सक्सेसर कौन हुआ करता था, शेम गुप्ता। तो अब शेम गुप्ता के बारे में हम आपको बताते हैं। शेम गुप्ता ने शादी की थी किसके साथ में, मैरिड टू दीदा। ठीक है, अब ये दीदा कौन थी, ये थी लोहारा डायनेस्टी से, लाहौरा डायनेस्टी जो कि रूल कर रही थी, एक किंगडम था पुंछ में। ठीक है, पुंछ में एक किंगडम था जो वहां पर रूल कर रहा था, तो उसी डायनेस्टी की प्रिंसेस हुआ करती थी। ठीक है, तो प्रिंसेस थी दीदा, दीदा की शादी हो गई कश्मीर के जो किंग थे शेम गुप्ता के साथ में। और शेम गुप्ता जो था ये एक मीडियोकर एबिलिटी का इंसान था, मीडियोकर हो गया, काफी ही एवरेज किस्म का इंसान, नाकाबिल इंसान, नाकारा इंसान। इसलिए जो दीदा थी उसका काफी इन्फ्लुएंस था ना केवल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बाकी अपने पति के ऊपर भी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कौन किया करता था, दीदा ही किया करती थी। इसलिए शेम गुप्ता को दीद शेम भी कहा जाता है, दीद शेम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पप्पेट था किसका, पप्पेट ऑफ दीदा। तो दीदा का पप्पेट था, पप्पेट क्या होता है दोस्तों, कठपुतली जो होती है। ठीक है, वो इंसान जो कि अपने माइंड से अपने विल से ना चले, किसी और इंसान के कहने पर चले, किसी और की कठपुतली बनकर के रह जाए, तो वो बन गया ये अपनी क्वीन का। अब दीदा ने तीन तरीके से यहां पर रूल किया, पहले तो वो क्वीन बनकर रूल किया उसने कश्मीर के ऊपर, फिर उसने मदर बन के रूल किया कश्मीर के ऊपर, और फिर उसने डायरेक्टली रूल किया एज ए रूलर। ठीक है, तो पहले अपने पति के समय पर इसने रूल किया जब शेम गुप्ता रूल कर रहा था। ठीक है, इसकी डेथ हो गई तो अपने बेटे को गद्दी पर बिठा करके इसने रूल किया। ठीक है, उसके अलावा
एंड पे इसने डिफेक्टो रूलर अपने आप को एज्यूम कर दिया और फिर भी इसने रूल किया था कश्मीर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और चीजें आपको बताते हैं। आप देखिए, जब श्याम गुप्ता की डेथ हो गई तो उसका बेटा जो था अभिमन्यु, उसको गद्दी पर बिठाया गया आफ्टर श्याम गुप्ता। तो कौन बना, इसका सक्सेसर किसको बनाया गया? अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु की बहुत जल्दी ही डेथ हो गई। ठीक है, और इसके डेथ के बाद में दिदा ने अपने ग्रैंड सन्स को गद्दी पर बिठाया, और ग्रैंड सन्स यानी वन आफ्टर अनदर, यानी किसी को भी ज्यादा समय तक रहने नहीं दिया, तो छोटे छोटे जो थे उनको बिठाया दिदा ने, और ये हटाती गई। और आखिर में क्या हुआ, 980 AD में दिदा ने क्या किया, खुद को डिफेक्टो रूलर रूलर एज्यूम कर दिया यहाँ का। तो उसने प्रोक्लेम कर दिया कि भाई यहाँ की जो असली रूलर है, इसके बाद में अब रूल भी मैं ही करूंगी। ठीक है, तो यहाँ की रूलर 980 में बन गई। कब तक रही ये? 1003 AD तक ये कश्मीर में रूल किया इसने। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ। अब दीदा की पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, नाम तो इसका काफी पवित्र है, दीदा की बात की जाए जिसका 980 से लेकर के 1003 AD तक इसका टाइम पीरियड रहा, तो नाम तो इसको काफी पियो से पवित्र है, क्योंकि कश्मीर में क्या किया जाता है, दीदा या देद उस इंसान को, उस लेडी को कहा जाता है जिसको क्या मदरली तरीके से देखा जाता है, या कोई वो वाली लेडी लेडी जिसको क्या किया जाता है, रिवरेंस दिया जाता है। रिवरेंस हो गया कि किसी की पूजा करना, उसको बहुत ज्यादा स्टेचर देना, हाई स्टेटस हो जिसका, जिसने बहुत महान काम किए हो, तो उसको देद या दीदा कहा जाता है। तो नाम से दीदा का मीनिंग ये था कि किसी भी लेडी को कश्मीर में क्या, जिसको मदरली तरीके से क्या किया जाए, माना जाए, तो उसे कहा जाता है दीदा। ठीक है, या देद कहा जाता है उसे। लेकिन दीदा की जो पर्सनैलिटी थी वो कैसी थी, ये काफी ही ज्यादा श्रूड थी, जिसे कह सकते हैं अन स्क्रूपुलस। इसका मतलब होता है कि काफी इमोरल इंसान, अनइथिकल इंसान। ठीक है, काफी बेईमान टाइप की रूलर थी ये, पर्सनैलिटी थी किसकी, दीदा की। लेकिन एज ए रूलर ये कैसी थी, एज ए रूलर ये काफी कैंडिड थी, आप कह सकते हैं कि ये उपयुक्त थी, कैपेबल थी। अगर कहीं पे फ्लॉ था तो फ्लॉ इसकी पर्सनैलिटी में था, लेकिन एज ए रूलर ये काफी काबिल थी, काफी कैपेबल थी, काफी इंटेलिजेंट थी। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम दीदा की पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, अब दीदा के बाद में क्या हो गया कि दीदा के बाद में एक और बात आपको बता दें, वो इंपॉर्टेंट है कि दीदा के टाइम पे महमूद गजनी ने 2 बार कश्मीर पे अटैक किया है। महमूद गजनवी ने क्या किया है, अटैक कश्मीर ट्वाइस, तो 2 बार इसने कश्मीर को अटैक किया है, इसके ऊपर हमला किया है 2 बार इसने किया है। लेकिन महमूद गजनवी को विक्ट्री यानी जीत एक बार भी नहीं मिली है, इसे दोनों बार कश्मीर में घुसने नहीं दिया गया, इसको भगा दिया गया था कश्मीर से। तो महमूद गजनवी ने दीदा के टाइम पर कश्मीर के ऊपर अटैक किया था, उस समय कश्मीर की रूलर दीदा हुआ करती थी। तो ये भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई महमूद गजनवी ने जब कश्मीर के ऊपर रूल किया था, सॉरी अटैक किया था, तो उस टाइम कश्मीर की रूलर कौन हुआ करते थे। तो उस टाइम पर कश्मीर की रूलर हुआ करती थी दीदा, और दीदा किस डायनेस्टी से बिलोंग कर रही थी, गुप्ता डायनेस्टी से। तो ये चीजें आपके लिए याद रखने के लिए है कि दीदा गुप्ता डायनेस्टी से थी, और महमूद गजनवी ने उसके टाइम पर कश्मीर के ऊपर अटैक किया था। इसके अलावा इसने क्या किया, दीदा ने 1003 में इसकी डेथ हो गई।
लेकिन डेथ से पहले इसने अपना सक्सेसर किसको चुना, उत्तराधिकारी कौन रहा, क्योंकि इसका अपना बेटा जो था वो उसकी डेथ हो गई थी उसके बच्चों की, और इसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनको नहीं, बल्कि इसने अपने भाई जो था इसका ब्रदर था उदयराज इसका सन, उदयराज सन जिसका नाम था संग्राम, संग्राम देव, इसको सक्सेसर बनाया। तो सक्सेसर कौन बना? इसके भाई उदयराज का बेटा संग्राम देव, जो कि कहाँ का था संग्राम देव, ये था लोहार डायनेस्टी का। और लोहार डायनेस्टी मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे पहले कहाँ पर थी, पुंछ में थी। तो पुंछ से इसने अपने भाई उदयराज के बेटे यानी अपने भतीजे संग्राम देव को वहां से लाया और कश्मीर में इसने अपना सक्सेसर बना दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, जब संग्राम देव गद्दी पर बैठा कश्मीर की, तो गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पर खत्म हो जाएगी और कश्मीर में अब आएगी लोहार डायनेस्टी, जो इससे पहले की पुंछ में हुआ करती थी, अब वो डायरेक्टली कश्मीर के ऊपर रूल करेगी। ठीक है, अब तो नेक्स्ट क्लास में हम लोहार डायनेस्टी के बारे में आपको बताएंगे। तो आज हमने एक तो उत्पाल डायनेस्टी के बारे में आपको बताया और दूसरा हमने आपको बताया गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, तो इन दोनों के भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।